फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जगह से। आज आपकी विद्या देवी आप लोगों को, कुछ लोगों को बहुत बड़ा गिफ्ट देने वाली है। पता है ना, जब अपनी परछाई पे पैर पड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, ठीक है ना। जब तक विद्या देवी 50 का 50 दे रही थी, है ना, 5,000 में 2-5 लाख दे रही थी, तब तक मैं बहुत अच्छी थी। कुछ लोगों के पीछे से ज़रा सा चीज़ें हटा दी गई है तो कितने लोगों तिलमिला उठे, है ना। मतलब मैंने कहा ना कि जब हम देते हैं तो हम बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन अगर हम ना बोलते तो बहुत सारे लोगों को नाटक रहता है। मैंने हमेशा लोगों की मदद करने को सोची कि चलो कोई लोगों को, किसी को पैसे मिले तो उनको इतने का इतना फ़ायदा हो जाए, तो हम नुकसान भी तो दे सकते हैं ना। आज रात को होगी स्पेशल पूजा, खास करके उन लोगों के लिए जिन लोगों ने मुझे हमेशा पागल में गिनती की, और वो देखना कल 24 घंटे के अंदर खुद मुझसे नाक रगड़ के माफ़ी मांगेंगे। फ़ायदा नुकसान सब मेरे हाथ में, लेकिन जितने लोगों ने मेरा नुकसान करने को सोचा उनका नुकसान तो बनता है, सही बात है ना। मैं यहाँ YouTube पे क्या बोलती हूँ, अगर आपका काम नहीं हुआ तो जगह पे आपके पैसे वापस मिलेंगे, ठीक है। तो जैसे मैं, आपका काम नहीं हुआ तो जगह पे आपके पैसे मिलेंगे, लेकिन जितनी मेहनत मैंने आप लोगों के लिए की, और उस बेसिक पे अगर आप लोग मेरा नाम ख़राब करने को देखोगे, आप लोग मेरे दिमाग पे लगोगे, तो सीधी बात है, तो जगह पे आप लोगों को सज़ा भी मिलनी चाहिए, सही है ना। जैसे मैं आप लोगों को कहती हूँ कि सुल्तान जी लेने पे 25 लाख का फ़ायदा होगा, ये होगा वो होगा, वैसे ही मैं कहती हूँ कि जिस तरह से तुम लोग मेरी पूजे पाठ का काम बिगाड़ते हो, मेरा नाम खराब करने को देखते हो, मुझे परेशान करने को देखते हो, तो उसी सुल्तान जी के जरिए तुम्हारी बैंड भी बजानी चाहिए कि आने वाले 25 सालों तक तुम लोग हर एक चीज़ के लिए परेशान रहो। क्योंकि दोबारा फिर किसी अघोरिया पंडित से पंगा लेने के पहले 10 बार सोचो कि भाई सब पछड़े में पड़ना है, ये नहीं पड़ना है ना। तो जैसे मैं शक्तियों के पीछे 10 गुना फ़ायदा देती हूँ, वैसे मेरी पूजा बिगाड़ने के पीछे मैं तुम लोगों को 10 गुना नुकसान दूंगी, ऐसी बात है। देखो सीधी बात है, काम नहीं होने में तुम अपना पैसा तो वापस लोगे, भले वो मैंने कितनी भी मेहनत की रहे, कितनी भी जाके मैंने, हाजिदा ने, सुनीता ने, और भी हम लोग ने जितनी भी मेहनत किया, हम आप लोगों के लिए मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, नंगे पाँव घूमते हैं, इतनी सारी मेहनत करने के बाद आप लोग हमारा बिल्कुल नहीं सोचते हो, आप हमें पागल में गिनती करते हो, आपको लगता है ये करते हैं कि नहीं करते, ठीक है ना। तो देखो, अगर समझो जैसे आपको लगता है कि मैंने आपका काम किया नहीं हुआ, तो ठीक है ना, मैं ट्राई करती हूँ ना, अगर आपका काम किया नहीं हुआ रहेगा तो फिर मैं आपका बुरा करूँगी, तो आपका बुरा कैसे हो गया रहेगा। क्योंकि जब अच्छा होता है तो बुरा भी होता है, अगर मैं आप लोगों का अच्छा नहीं कर सकती तो बुरा कैसे करूँगी। लेकिन अगर मैंने आप लोगों का अच्छा किया और उसके बाद भी आप लोगों ने मेरे दिमाग पे लगने की कोशिश की है, तो आप लोगों का बुरा करूँगी तो वो भी तो होगा। तो जिसने जो किया है उसको उसका 10 गुना लौटाया जाएगा, ठीक है। जिसने जो हरकत की है उसका उन्हें 10 गुना फल मिलेगा, वो भी आज रात को 24 घंटे के अंदर। अब आपके साथ क्या होता है, कैसे होता है, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं। देखो, हम अघोरी ऐसे ही हैं, पहले तो हम किसी के नाद में लगते नहीं। अभी यहाँ पे कितने हरामखोर लोग हैं हमारे गोराई में भी, बताओ। लोगों के कहने पे, एजेंट लोगों के कहने पे घर खाली करवा लेंगे, सब कर लेंगे, ज़बरदस्ती वो करेंगे, नोटिस भेज के फालतूगिरी करेंगे, ये खाली कर दो, वो खाली कर दो, है ना। और बताएंगे कि हमारे पास पैसा नहीं है, फलाना ढेकाना, और बाहर गांव जाके अपने बेटों के पैसे पे ऐश करके घूमेंगे, स्टेटस रखेंगे बड़ी बड़ी, है ना। लोगों को लूटपाट के, साले चमड़ी चोर लोग लोगों को लूटपाट के बाहर जाके अय्याशी कर रहे हैं। सोचो, हम जैसे शरीफ लोग तो बल्कि आप लोगों का मान रखने के लिए, अपनी चीज़ों को करने के लिए, भाई कौन इनके मुंह लगेगा करके चीज़ें हटती हैं, और ये लोग हमारे नाम ख़राब करने के लिए अपनी सारी हेकड़ी निकालेंगे, नाम ख़राब करेंगे, और उसके बाद बाहर गाँव जाके अपने बेटों के साथ उन्हीं के पैसों पर अय्याशी करेंगे। तो चलो कोई बात नहीं, एक और नया खेल शुरू। जिसके पैसों भी तुम लोग अय्याशी कर, तो वही ना बच, वही भगवान ने जिंदा नहीं रहा तो क्या करेंगे। मारण क्रिया में तो मैं एक्सपर्ट हूँ ना। तो मारण क्रिया का पहला स्टेप, जो तुमने किया है वो तुमको भुगतना पड़ेगा, जो तुमने मेरे साथ गलत किया है अभी तुमको उसका 10 गिरा भुगतना पड़ेगा। तुम लोगों ने मेरी इज्जत उतारने की पूरी कोशिश की, नहीं उतार पाए, मेरे साथ गलत करने की कोशिश की, नहीं कर पाए, आगे भी सोच रहे हो, लेकिन अब होगा तुम्हारे साथ गलत, ठीक है ना। अभी जिसने भी अपने प्यार को पाने के लिए मुझसे काम करवाया, बाद में अकाउंट फ्रीज करवाया, उसका प्यार ही नहीं बचेगा तो भगवान करे ऊपर चला गया, तो ज़िंदगी भर के लिए कभी उसकी ज़िंदगी में कोई आया ही नहीं, तो मारण हो गया तो क्या करेंगे, है ना। तुमने एक बार ये नहीं सोचा कि मैं इनसे पंगा ले रही हूँ, तो एक, और जो तुम्हारा इस गलत काम में साथ दे, तुम्हारे दोस्त यार या जो भी एनीथिंग, तुमने जिसका भी झूठा झूठा नाम लिया, साइबर फ्रॉड वर्ड करवाया, जिसका भी नाम लिया, उनकी ज़िंदगी से भी उनका प्यार छिन गया तो,
उन्हें कोई तो चीज़ प्यारी होगी ना, पैसा प्यारा होगा, घर प्यारा होगा, परिवार प्यारा होगा, बच्चे प्यारे होंगे, अगर वो उनसे छिन गया तो क्या होता है मालूम है? गलत करने से, करने से ज़्यादा गलत करने वाले जो लोगों का साथ देते ना, उनके साथ पहले गलत होना चाहिए। जो दूसरों के बीच में टांग अड़ा के अपने आप को बहुत महान बनाते ना, उनके साथ पहले गलत होना चाहिए, तब दोबारा कभी नहीं आएगा। क्योंकि क्या होता है, कोई कोई इमोशनली ब्लैकमेल करके अपना इमोशन बता देता है, हमारे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, और सामने वाले महान बन के उनका कोशिश, उनके साथ उनका साथ भी दे देते हैं। लेकिन जब तुम लोग उसका साथ देते हो और ये भी नहीं देखते हो कि सामने वाले की पहुँच क्या क्या है, पहले खुद घू उठा के खाने का है ना, कौन बोला तुम लोगों को गंदा उठा के खाने को? तुम हमारे पास आते हो ना पूजा करने, पहले खुद हगा उठा के खाने का, और गांव भर डिंडोरा पीटने का, हमने हगा खा लिया, हगा खा लिया। तो आप विद्या देवी तुम्हें हगा नहीं खिलाएगी, शमशान की मिट्टी खिलाएगी, और वो भी 24 घंटे के अंदर खिलाएगी। सिर्फ वेट करो, देखो ठीक है। जय माता दी।